16 जनवरी साल 1938 को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। वे बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें परिणीता, सुभद्रा, बड़ी दीदी, चरित्रहीन, शेष प्रश्न, देवदास और विप्रदास प्रमुख हैं। शरद चंद्र के कई उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी बनी। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। 16 जनवरी साल 1901 में महादेव गोविंद रानाडे का निधन हुआ। रानाडे ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक रहे। गोविंद रानाडे न केवल एक प्रसिद्ध वकील, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राष्ट्रप्रेमी, राजनीतिज्ञ थे, बल्कि बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। रानाडे उस समिति में भी सेवारत रहे जिसे शाही और प्रांतीय व्यय का लेखा जोखा रखने और आर्थिक कटौतियों का अनुमोदन करने का कार्यभार मिला था। उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से नवाजा।